किनारे की पटरी की झुग्गी टूट रही है, ये बुलडोजर लेके आए हैं और ये पुलिस तोड़वा रही है और ये लोग चिल्ला रहे मत तोड़ो मत तोड़ो। ये गणेश का घर ही अलग है, मेरा घर है, ये 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 मेरा घर है, और ये श्वेता का घर है, नहीं दरवाजा है, मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैं दूध लेने जा रही चाय लेने, तो मेरे बगल में ससुर जी लगते हैं, उसे हम सब ससुर जी कहते हैं, वो पेपर उठाए थे, हमने देखा, वो बता रहे थे कि तो झुग्गी टूटने का ऑर्डर आ गया, मैं भी पेपर मांगी, मैं भी पढ़ी, मैं तो मेरा होश वास खराब हो गया सारा, क्योंकि मेरा तो सब कुछ यही है, और पेपर में यही लिखा था कि जो है 3 महीने के अंदर में झुग्गी टूट जाएगी, उनके लिए तो एक छोटा सा पैगाम था झुग्गी टूटने के लिए, लेकिन हम सबको लिए बहुत दर्दनाक था। 85 में दिल्ली आए थे हम, गांव में भी नहीं रोजगार था, दिल्ली में मैंने सोचा किसी तरह से अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा गुजारा होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से करेंगे, लेकिन यहाँ भी यहाँ के मालिक लोगों ने शोषण करता रहा, हमसे कमाई किया, मेहनत करवाया और उचित पैसा नहीं दिया हमको, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में ही वजीरपुर एरिया में हमने खूब घूमा, और जब फैक्ट्री में गेट पर जाते थे तो फैक्ट्री वाला कहते था कि कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, बिहार के हो क्या, तो हम कहते थे कि हाँ सर बिहार के हैं, कहाँ रहते हो, सर झुग्गी में रहते हो, तो कहते थे हाँ सर झुग्गी में रहते हैं, नहीं नहीं इसको झुग्गी वाले को नहीं रखना है, हटाओ नौकरी से, यहाँ नहीं हमारे पास काम नहीं है। मकान नंबर DDA लिखा है, 2004 में इसका सर्वे हुआ था, डीडीए वालों ने कहा था कि मकान देंगे आपको तब हटाएंगे। मेन चीज ये होती है जब बारिश होता है हम सबको रोटी खाने का मन नहीं होता, घर में इतना पानी भर जाता है, बर्तन धो के घर धो के इतने घर धोने के बाद भी स्मेल आती है, फिर भी अपनी जिंदगी काटी रहे किसी तरह, इतने गंदी जगह रह के हम सब काट रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं देखा जा रहा है, हम सबको वहाँ भी नहीं रहने दे रहे हैं, मत रहने दे, लेकिन कहीं मकान दे दे, हम सबको हटा दें, मकान तो देने पड़ेगा, वो कि हमारा हक है, कानूनी हक है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें भीख में दे दो मकान, हमारा हक है। झुग्गी को प्लास्टिक मुंजावे बांस बल्ली को हटा के अगर बनाते थे तो उस समय पुलिस वाले आते थे और डंडे मारते थे कि क्यों पक्का बना रहा है, ईंट का क्यों दीवार जोड़ रहा है, जोड़ने नहीं देंगे, तो हम लोग हाथ पाँव जोड़ते थे कि सर कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे को कहाँ रखेंगे, हमको बनाने दीजिए, तो उसको जो है वो पैसे तक मांगते थे कि पैसे इतने पैसे दो तो बनाओ। बोलने खातिर कोई बोलता ही नहीं है, क्यों नहीं बोलते भाई, अपने हक के लिए नहीं बोलोगे, बोलोगे क्या बोले हो कि मेरे को झुग्गी मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, हमारा तो बाजार स्टेशन बेच दिया, रेलगाड़ी सारा प्राइवेट कर दिया, वो तो बेच ही रहे हैं जब से आए हैं, पूरा बेच के बर्बाद कर दिया, ये कहते हैं हम बांग्लादेश से लेके आएंगे, अरे सरकार, अरे प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी, पहले अपना देश संभालो, अपना देश तो संभल नहीं रहा है, दूसरे देश की बात कर रहे हो वोट लेने के लिए, तो बड़े अच्छे अच्छे वादे करते हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान, सारी जनता मिल के उनको सरकार बना सकती है, वही जनता उनको सरकार की कुर्सी से लाकर नीचे पटक भी सकती है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने हक के लिए, अपने हर एक चीज के लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन यही सबको समझ नहीं है कि सरकार हमेशा लड़ाती है, इंसान उसमें उलझा रहता है, हिंदू मुस्लिम में कहकर लड़ा देती है, लोग समझ जाते हैं हिंदू मुस्लिम में छोड़, और यही तो करे हैं जिंदगी भर से ब्राह्मण यही करे हैं, सबको हर जातियों में उलझाए हैं। ये भी वही डीडीए का है, वही कार्ड है, सब कुछ है, प्रमाण है, दिखाऊंगा, हमारे पास सारा सब कुछ है, सारा आई कार्ड है दिल्ली का, ये आपने क्यों बनाया, जब ये चीज आपको भगा ही देना है हमको, ये सारे प्रमाण जो बना करके हम यहाँ के नागरिकता आपने हमको दे दिया है,
तो बताइए कि अब इतना होने के बाद, इतना गुजारा करने के बाद, बच्चों का यही जन्म, बच्चे का मृत्यु भी इसी झुग्गी में हुआ, जन्म भी हुआ, सब कुछ हुआ और हो रहा है, शादी विवाह भी हो रहे हैं सबका, सब तरह से इसी झुग्गी के अंदर। इतने सालों से रहने के बाद अब ये 40 साल पूरा होने चल गया हम लोगों का, तो इस समय हम लोगों को अब ये आदेश आ गया है कि अब झुग्गी को तोड़ दिया जाए। अब बताइए कि ऐसे पोजीशन में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ना